अध्याय दो लेक्चर चार होगा। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दो इधर, दशनी पठार, दशनी पठार और उत्तरी मोरदार पर्वतों के बीच भारत का विशाल मैदानी भाग मिलता है। पूछेंगे कि भारत का विशाली भाग मैदान जो है कहाँ कहाँ मिलता है, तो दक्षिणी पठार और उत्तरी मोरदार पर्वतों के बीच में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? दक्षिणी पठार और उत्तरी मोरदार पर्वतों के बीच में मिलता है, जो कि विशाल मैदान का भाग मिलता है। यह मैदानी भाग भी पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। जो मैदानी भाग दक्षिणी पठार और उत्तरी मोरदार पर्वतों के बीच विशाली मैदानी भाग है, वह उत्तर दक्षिण की ओर तो फैला ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूर्व से पश्चिम की ओर तक भी फैला है। संकरे मैदान समुद्री तटीय भागों में भी मिलते हैं। संकरे मतलब क्या होता है? पथरीला, चौड़ा, कम चौड़ा होता है। भारत के मैदानी भाग सबसे बाद के बने हुए हैं, सबसे बाद के नहीं, सबके बाद होगा, बाद बने हुए हैं, और इनमें जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है। इस मैदानी भाग में जो है किस मिट्टी की प्रधानता होती है? जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना यह मैदान बड़ा ही उपजाऊ है। मतलब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी में जो भी फसल होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसे उत्तम किस्म की मिट्टी भी कहा जाता है। इसलिए इसमें फसल जो है बहुत अच्छा होता है, यही कहा जाता है। और यह मिट्टी जो है नदियों के द्वारा लाया जाता है। इसके बाद है परंतु नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना यह मैदान बड़ा ही उपजाऊ है। समुद्र तल से इनकी ऊँचाई अधिकतम 1250 मीटर है। मतलब ये जलोढ़ मिट्टी की जो ऊंचाई है, ये समुद्र तल कितनी है? 1250 मीटर है। इस मैदान में मिट्टी की मोटाई 500 मीटर तक पाई जाती है, और इसी मैदान में जो दक्षिण से दक्षिणी पठार से लेकर फैला हुआ है उत्तरी मैदान और पूर्व पश्चिम तक में, उसका मोटाई कितना है? 500 मीटर तक है। इस मैदान में दिल्ली का क्षेत्र जल विभाजक का काम करता है। मतलब ये जलोढ़ मिट्टी जो पाया जाता है, इस विभाग जलोढ़ मिट्टी में किसका थोड़ा सा भाग आता है? तो दिल्ली का भी भाग आता है, जो कि जल विभाग का काम करता है। दिल्ली के पश्चिम की नदियां पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। दिल्ली के जो पश्चिम की नदियां है किस ओर मुड़ जाती है? पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। जैसे कि सतलुज चेनाब, मतलब सतलज नदी है और चेनाब नदी है, यमुना नदी है, गंगा नदी है, गोमती नदी है, ये सारा नदी जो है कहाँ है? दिल्ली में है। ये सारा नदी कहाँ पर है? दिल्ली में है। जैसे कि पूर्व की ओर बहती है। पूछेंगे कि पूर्व की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियां है, तो सतलज नदी है, चेनाब नदी है, यमुना नदी, गंगा नदी और गोमती नदी है। पूर्व की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदी है? सतलज चेनाब नदी। कैसे याद रखेंगे? देखो इधर ट्रिक पर याद कर लो इसको। ट्रिक पर कैसे याद रहेगा कि पूर्व की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियां है, याद करिए। देखिए यमुना है, इनका जो बगल में घर है वरुण का, इनके पापा का नाम था यमुना, ठीक है, और इसी के ठीक बगल में नाम है इनका गंगाई नाम है। तो यमुना और गंगा एक साथ हो गया गंगा, हुआ ना, यमुना और गंगा एक साथ हो गया। और यमुना और गंगा को कौन नहीं चिंता है? सब चिंता है, सतलज सब चिंता, सब चिंता है। तो सौ से हो गया सतलज, आ चिंता है चौसे चिंता चेनाब, याद हुआ। गोमती कहाँ बोले? गंगा नदी, चेनाब, गोमती, गंगा, यमुना। पूर्व की ओर जो है बहने वाली कितनी नदियां है? पांच नदियां है। वो कौन कौन नदियां है? सतलज, चेनाब, गोमती, गंगा, यमुना। इसका ट्रिक क्या है कि यमुना गंगा और गोमती को सब चिंता है, यमुना गंगा गोमती को सब चिंता है। यमुना
यमुना जो है किसी व्यक्ति का नाम है, याद रखो कि यमुना जो है किसी व्यक्ति का नाम है। अच्छा यमुना की बात कर रहे हो, यमुना तो गंगा गोमती और इसके साथ सबको चिंता है, ऐसे बोलेंगे। यमुना जो है गंगा गोमती सभी को चिंता है, गंगा गोमती सभी को चिंता है, तो यो से क्या हो गया यमुना, और गंगा और यमुना, तो गंगा से क्या हो गया गंगा, यमुना से गोमती से क्या हो गया गोमती, और सबको चिंता है तो सौ से सतलज, और चिंता से चनाब, चिंता से ट्रिक याद हुआ। हाँ। बोलो एक बार, यमुना की बात कर रहे हैं आप, यमुना गंगा गोमती सबको चिंता है, समझ में नहीं आया, गंगा गोमती सबको चिंता है, यमुना गंगा गोमती, देखो ऐसे हम बोलेंगे। जैसे नूर सभा की बात कर रहे हैं आप, नूर सभा तो ऐसा आदमी है कि जितना व्यक्ति यहाँ पर बैठा है गंगा गोमती सतलज सबको चिंता है, ऐसे बोलेंगे। तो उसी को नाम रख लो कि इसकी, इसका नाम है यमुना नाम है, इस यमुना की बात कर रहे हैं, यमुना जो है गंगा गोमती सबको चिंता है, याद हुआ। हाँ। समझ में आया ट्रिक क्या बोल रहे हैं हम, किस पे लगा के। हाँ। तो यही हुआ, इसको जब भी हम बोलेंगे यमुना तो यमुना से यमुना नदी, और गंगा गोमती तो गंगा से गंगा, और गोमती से गोमती नदी, इसके बाद सबको चिंता तो सौ से सतलज, चिंता से चेनाब नदी, चेनाब नदी। तो पूर्व की ओर बहने वाली कितनी नदियां हैं, पांच नदियां हैं, और कौन कौन सी नदियां बहती है, ट्रिक पर बोलिए, यमुना गंगा, ट्रिक पर गंगा गोमती, हम क्या बोलिए, यमुना गंगा गोमती सबको चिंता है, याद हुआ, फिर से रिपीट करिए, उंगली पर रिपीट करिए, यमुना गंगा गोमती सबको चिंता है, यमुना गंगा गंगा गोमती सबको चिंता, याद हुआ, समझ में आया। इसको आप बताइए, मुँह से बताइए कैसे कैसे है, यमुना गंगा गोमती सबको, तो सौ से हो गया सतलज, चिंता चौ से हो गया चेनाब, याद हुआ। किस दिशा की ओर बहती है, पश्चिम, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ किस दिशा की ओर, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ है, दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में अरावली के आसपास का क्षेत्र वर्षा के कमी के कारण शुष्क रहा करता है, और वह क्षेत्र मरुस्थल में परिणत हो गया, इसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। पूछेंगे कि थार मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है, तो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में, दिल्ली के जो क्षेत्र हैं उसके दक्षिण पश्चिम में अरावली के आसपास के जो भी क्षेत्र है उसे वर्षा कम होता है, और दिल्ली में, दिल्ली है मान के चलिए, क्या है दिल्ली है, और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है अरावली है, और इसी अरावली के क्षेत्र के आसपास वर्षा क्या होता है बहुत कम होता है, बहुत कम हो जब ये होगा तो क्या होगा, दरार फटेगा वहाँ पर उपजाऊ नहीं होगा तो मरुस्थल तो बनेगा ही, और वहाँ पर वहाँ का जो कमी के कारण शुष्क रह गया, और वह क्षेत्र जो है मरुस्थल में बदल गया, और उस बदलने की मरुस्थल में जो बदल गया उस बदलने को ही किस नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, थार मरुस्थल। पूछेंगे कि कहाँ के क्षेत्र को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली के क्षेत्र, दिल्ली के आसपास अरावली है, उस अरावली के आसपास बहुत जो भी क्षेत्र वहाँ पर बहुत कम मात्रा में वर्षा होता है, जिस कारण वहाँ की शुष्क होने के कारण वहाँ पर मरुस्थल में वह मिट्टियाँ बदल जाती है, और उस क्षेत्र को हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, समझ में आया। अब है भौतिक विभाग, क्या है भौतिक विभाग, भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर, भौतिक विभाग, भौतिक स्वरूप के आधार पर, किसके आधार पर, भौतिक स्वरूप के आधार पर 6 भागों में बांटा गया। अभी हम कल परसों कुछ दिन पहले या एक सप्ताह पहले ही किसी भी अर्थ में पढ़ाए हुए थे कि भूमि को जो है भौतिक स्वरूप के अनुसार कितने, मतलब भूमि पर जो है भौतिक स्वरूप के अनुसार कितने अर्थ में बांटा गया है, तो क्या पढ़ाया हुआ था, 6 नहीं 3 रूपों में, जैसे कि पठार, पर्वत और मैदान था। आज वो चीज को हम क्लास 6 में पढ़ाए, क्लास 8 में पढ़ाए, अगर क्लास 8 में जो पढ़े रहते तो आज 9th में ये चीज़ नहीं पढ़ता, याद रहता, लेकिन आपको 9th में ये चीज़ दिखने को मिला।
तो यहाँ पर है कि भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? छह भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? छह भागों में बांटा गया है। तो भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को जो है कितने भागों में बांटा गया है? छह भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? हिमालय, और हिमालय को ही उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है। हिमालय को क्या कहा जाता है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का विस्तृत या विशाल मैदान कहा जाता है। उत्तर का जो विस्तृत मैदान है उसको दूसरा नाम क्या है? विशाल मैदान है। उसका दूसरा नाम क्या है? विशाल मैदान है। तीसरा है दक्षिण का पठार। तीसरा क्या है? दक्षिण का पठार। चौथा है समुद्र तटीय मैदान। चौथा क्या है? समुद्र तटीय मैदान। पांचवा भारतीय मरुस्थल है, और छठा जो है भारतीय द्वीप समूह है। छठा क्या है? भारतीय द्वीप समूह है। तो भारत को जो है भौतिक स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? छह भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है हिमालय, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार, चौथा है समुद्र तटीय मैदान, और पांचवा है भारतीय मरुस्थल, छठा है भारतीय द्वीप समूह। इसको आप याद करके लाएगा, याद नहीं होगा तो फिर हम याद करवाएंगे। इनमें प्रत्येक का भौगोलिक वितरण नीचे दिया गया, और ये छह भाग जो दिया गया है भारत के भौगोलिक स्वरूप को जो छह भागों में बांटा गया है, इन छह भागों के हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे कि हम पहले अब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय का ही दूसरा नाम क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय का दूसरा नाम क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय का दूसरा नाम क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। अब है कि भारत के उत्तरी भाग में विस्तृत मोरदार पर्वत वलित, मतलब हम पहले बताए थे कि वलित मतलब क्या होता है? मोरना होता है या मोरदार होता है। क्या होता है? अभर्षण मतलब दरारे होता है, मतलब वलित मतलब मोरदार होता है। वही यहाँ पर कहा गया है कि मोरदार पर्वत यानी कि वलित पर्वत। मोरदार पर्वत का दूसरा नाम क्या है? वलित पर्वत। मोरदार पर्वत का दूसरा नाम क्या है? वलित पर्वत। यहाँ पर वही कह रहा है कि भारत के उत्तरी भाग में विस्तृत मोरदार पर्वत मुख्य रूप से हिमालय के नाम से विख्यात है। मतलब भारत में जो उत्तरी भाग में जो भी पर्वत विस्तृत फैला हुआ जो भी पर्वत है मोरदार पर्वत, उस पर्वत को वलित पर्वत जो है उसको किस नामों से जाना जाता है? हिमालय के नामों से जाना जाता है। किस नामों से? हिमालय के नामों से जाना जाता है। तो पूछेंगे कि कहाँ के पर्वतों को हम हिमालय के नामों से जानते हैं, तो भारत के उत्तरी भाग में विस्तृत मतलब जो भी फैला हुआ मोरदार पर्वत है उस पर्वत को हम किस नाम से जानते हैं? हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय का दूसरा नाम क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। मोरदार पर्वत को ही दूसरा किस नाम से जानते हैं? वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। मोरदार पर्वत को किस नाम से जानते हैं? वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। और कहाँ के पर्वतों को हम हिमालय के नाम से भी जानते हैं, बताइए कहाँ के पर्वतों का पर्वतीय प्रदेश? भारत के उत्तरी भाग में विस्तृत मोरदार पर्वत को हम हिमालय के नाम से जानते हैं। भारत के उत्तरी भाग में जो भी फैला हुआ मोरदार पर्वत है वलित पर्वत है, उस वलित पर्वतों को हम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और हिमालय को ही हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं। हिमालय का ही क्या कहते हैं? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि वलित पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? मोरदार पर्वत।
और किस पर्वतों को हम मतलब कहाँ के पर्वतों को हम हिमालय के नाम से जानते हैं? तो भारत के उत्तरी भाग में फैला हुआ वलित पर्वतों को हम हिमालय के नाम से जानते हैं। समझ में आया? चलिए आगे। अब है पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच चाप या तलवार की तरह फैले हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर है। तो पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच चाप को ही क्या कहते हैं? तलवार भी कहते हैं। चाप को क्या कहते हैं? तलवार कहते हैं। चाप को ही क्या कहते हैं? तलवार कहते हैं। और चाप या तलवार की तरह फैले हुए हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। और चौड़ाई कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर है। कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर है। 150 से 500 किलोमीटर है। और विश्व की सर्वोच्च चोटी इसी में मिलती है। विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है किसमें मिलती है? मतलब अगर सर्वोच्च चोटी को मिला के इसकी हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर है। सर्वोच्च चोटी को मिला के हिमालय की लंबाई कितनी है? और चौड़ाई कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर है। और विश्व की सर्वोच्च चोटी इसी में मिलती है, नेपाल में स्थित एवरेस्ट, जो वहाँ सागर माथा कहलाती है। मतलब माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नामों से जाना जाता है? सर्वेश्वर, सागर माथा के नाम से। पूछेंगे कि माउंट एवरेस्ट को सागर में क्या मतलब नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। और सागर माथा की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। सागर माथा की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। और इस पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। और इस पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। अगर औसत ऊंचाई पूछे तो 6000 मीटर है। लेकिन अगर नेपाल में जो स्थित एवरेस्ट है मतलब माउंट एवरेस्ट है, उससे हम नेपाल में दूसरा किस नाम से जानते हैं? सागर माता से, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। और भारत विश्व की जो है सर्वोच्च चोटी को मिलाकर हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। और चौड़ाई सर्वोच्च चोटी भारत की विश्व की सर्वोच्च चोटी को मिलाकर हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 500 किलोमीटर है। यहाँ तक समझ में आया? तो हिमालय हम कहाँ के भाग को, पर्वतीय भाग को कहते हैं? भारत के उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में जो भी फैला हुआ वलित पर्वत है या मोरदार पर्वत है, उस पर्वतों को ही हम क्या कहते हैं? भारत का उत्तरी हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। और हिमालय का दूसरा नाम क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। और मोरदार पर्वतों को ही वलित पर्वत कहा जाता है। चाप को ही तलवार कहा जाता है। पश्चिम में सिंधु नदी बहती है और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच चाप तलवार की तरह फैले हुए हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर है।